खंडवा के गंजर मोहल्ले में गुरुवार रात से चल रहे विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। शुक्रवार सुबह से ही यहां दो पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी सहित कोतवाली की टीम यहां पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण में किया। हम आपको बता दें कि गुरुवार रात को यहां शराब बेचने की बात पर विवाद हो गया था। इस विवाद के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया। शुक्रवार को हुए विवाद के बाद भारी पुलिस बल यहां तैनात कर दिया गया और तैनात किए गए बल में आरएएफ की टुकड़ी भी शामिल है। खंडवा से ब्यूरो की रिपोर्ट। गाड़ी धो दिया था। किस वजह के लिए हुआ था मामला ये? पानी के वजह से। क्या हुआ है इसमें? पानी भर गया था, वो गाड़ी धो रहा था, नल आया कल, नर्मदा लाइन, तो गाड़ी का बस सिर्फ पानी उसको होटले पे चलेगा, तो बात हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो फिर मेरा भाई बैठ गया, कहाँ पे बैठा? अपने चौराहे पे। चौराहे पे सब इन्होंने वीडियो बनाई थी और बहुत से लोगों ने देखा। तो फिर मेरे भाई को 15-20 जने मार दिया, ऑटो में बैठा सड़क पे, गोविंदा को मारा, कल मारा। और उन्होंने बाहर के इंसान को बुलाया था कल भी, तो कल हम कोई भी नहीं थे, उसको अकेले को मारा, बुला कर लेके। तो फिर है ना, आदमी ने फिर वो छोड़ने के बाद उन्होंने फिर वो बांग्लादेश के आदमी उनको बुलाया और हमारे मोहल्ले में से आके उनके से बच्चे उन खड़े थे, उन्होंने मारा ये लड़के को तलवा, चाकू उस तरह वाला चाकू आता ना, नुक्की वाला, इतना बड़ा चाकू था। क्या नाम है बालक का? लक्की सुरेश महेशकर। आपका नाम क्या? मेरा नाम निशा महेशकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।